अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना का सबसे पुराना हॉल था और जा करके देख लीजिए वो कितना बहुमंजिला और सुंदर बन रहा है। हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का उच्च विद्यालय का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। सबको जोड़कर चलेंगे, प्रेम भाईचारा और सद्भावना का माहौल पूरे बिहार में बनाएं। ये हुनर और औजार कार्यक्रम जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए शुरू किया था, हमने 1 लाख से ज्यादा कहा, 1,21,700 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। अब आप समझ लीजिए, वक्फ विकास योजना की शुरू की है, शुरुआत कराई है हमने, और बाकी तो रोजगार ऋण योजना ये सब तो 1 साल में 100 करोड़ युवाओं को उसके लिए मदद देना, ये सब काम तो कर ही रहे हैं। और उसके अलावे आप समझ लीजिए, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना की शुरुआत कराए हैं, जिसमें वक्फ की भूमि पर नया बिल्डिंग बनेगा और उस बिल्डिंग में बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान, मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है और कई जगहों पर आपके किशनगंज के लिए भी जगह मिल गया है। ये सब के लिए काम शुरू करना प्रारंभ कर दिया गया है। और इसके अलावे आप जानते हैं, पटना में आप लोग कभी कभी पटना जाते होंगे तो देखे होंगे अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना का सबसे पुराना हॉल था। हम लोग जब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे, स्टूडेंट थे, तो वहां पर कई बार मीटिंग में जाते थे, बाद में भी मीटिंग में जाते थे। और हमने जो देख करके जब हमारा मन किया कि इसको हम बहुमंजिला बनाएंगे और बहुत सुंदर बनाएंगे, और जा करके देख लीजिए वो कितना बहुमंजिला और सुंदर बन रहा है। 41 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से, तो आप समझ लीजिए। और उसके बाद हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का उच्च विद्यालय का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। वहां जमीन मिल गया दरभंगा में, वहां काम शुरू हो गया, अन्य जगहों पर भी, सब जगह हम बच्चे बच्चियों को वहां रख के और वहां पर आवासीय विद्यालय बना करके लोगों को और ज्यादा हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। तो आप जरा देख लीजिए कौन सा काम है। और लोग देखिए, जनता मालिक है, आप मालिक है, वोट देने का अधिकार आपको है, चुनने का अधिकार आपको है, लेकिन मैं तो यही कहने आया हूं कि भाई हम लोग तो काम करते हैं, हम लोग तो सेवा करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। और बहुत लोग कोई काम नहीं करते हैं लेकिन समाज में कुछ विवाद पैदा करके ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि उनको बिना काम का फायदा हो। और हम लोगों ने, आप बताइए बिहार में किस तरह से प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल पैदा किया। हम शुरू से ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कभी भी क्राइम यानी अपराध, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म यानी दंगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सबको जोड़कर चलेंगे, प्रेम भाईचारा और सद्भावना का माहौल पूरे बिहार में बनाएं। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं, मौका दीजिएगा आगे भाई, हम तो और काम करेंगे। अभी तो आपको हर घर बिजली पहुंचाए हैं, अगली बार मौका दे दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे।